का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत डिमांडिंग वीडियो था आप लोगों का। आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं और सारे कमेंट में बेसिकली एक दो कमेंट कॉमन है और वो कॉमन कमेंट था कि बसंत कुंज योजना का रिफंड कैसे मिलेगा। तो ये बहुत तादाद में कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। मैंने जितने भी वीडियो बनाए आप लोग घूम फिर के यही पूछ रहे हैं कि बसंत कुंज योजना का रिफंड कैसे मिलेगा। तो मुझे लगा कि अब इस टॉपिक पर वीडियो देने का समय आ गया है। तो दोस्तों जब आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं ना, जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है, और आप लोगों की डिमांड है समय की बसंत कुंज योजना का रिफंड कैसे वापस आएगा, इस पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको इसका पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ये पूरा वीडियो देखिए। कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो, फिर भी अगर आपको लंबा लग रहा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसमें ना मैं पूरा प्रोसेस स्क्रीन में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। क्योंकि ना अगर आप स्केप करके देखोगे ना तो फिर समय बर्बाद होगा आपका भी और वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। आपने कोई चीज़ अगर स्किप कर दी तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ढंग से ताकि आप पूरा प्रोसेस समझ पाएं। मेरा मुद्दा यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको आपके काम की बातों को आप तक ढंग से पहुँचा पाऊँ। तो बसंत कुंज योजना की बात हो रही थी रिफंड की, तो दोस्तों पहले की वीडियो में मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि एडीए ने अपने ब्रोशर में क्लियर किया था कि आपका जो रिफंड है वो 3 महीने तक एडीए रोक सकता है और 3 महीने बाद ही वो करने के लिए बाध्य होगा। अगर 3 महीने बाद भी नहीं हो, 3 महीने बाद भी अगर वो नहीं करता है उस कंडीशन में वो 4% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो नवंबर में लॉटरी हुई थी तो उस लिहाज से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो एडीए के पास टाइम है, यानी फरवरी के बाद यानी मार्च में आपका पैसा जो है रिफंड होगा। अब रिफंड तो होगा लेकिन रिफंड के लिए आपको क्या करना है ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं एडीए से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां पर आपको लिख देना है एलडीए पोर्टल। सिंपल सा एलडीए पोर्टल लिखते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एलडीए पोर्टल की वेबसाइट आ जाएगी। इसको खोल लीजिए यहाँ जाकर। तो यहाँ पर जैसे आपने खोला ये एलडीए का पोर्टल का पेज खुल गया। इस पेज पर जाने के बाद आपको अब आपको जाना है ये यहाँ देखिए लिखा है जनहित सर्विस, ठीक है। आपको बस यहाँ पर जनहित सर्विस को क्लिक कर देना है। आप जब जनहित सर्विस को क्लिक करेंगे तो ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। तो आपको इसमें सेकंड ऑप्शन दिख रहा है रिफंड मैनेजमेंट सिस्टम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे कर्जा ले जाएंगे तो ये पलट के आ जाएगा प्रोसीड, बस यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये प्रदेश के सारे विकास प्राधिकरणों के लिंक खुल जाएंगे। अब आपको जिससे रिफंड लेना है उसका नाम यहाँ टाइप कर दीजिए। मुझे लखनऊ से लेना तो लखनऊ एलडीए लिखेंगे, सॉरी लखनऊ, मैं केवल LUCK टाइप करता हूँ। देखिए इसका लखनऊ विकास प्राधिकरण का लिंक आ चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसके पेज पर चला जाता हूँ। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब ये मांगेगा यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर खोलने के लिए। तो दोस्तों जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में नीचे जाएंगे लिखा है डू यू विश टू रजिस्टर फॉर ए न्यू अकाउंट। तो जब आपके हमको जाना पड़ेगा नए अकाउंट पर। अब यहाँ पर न्यू अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। न्यू अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये पेज खुलेगा, एक ये फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। तो आपको फटाफट ये फॉर्म भर देना है। पहले मैं भरूंगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपको जिसके नाम से भरना है उसके आगे जो भी लगाते हैं मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी लगाते हैं डॉक्टर, तो एक आपको भर लेना है। इसके बाद मान लीजिए आपने अपने फादर के नाम पर, मदर के नाम पर आवेदन किया तो उनका नाम यहाँ भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आशा त्रिपाठी के नाम से आवेदन किया माई मतलब मदर के नाम से, तो मैं मदर के नाम से उनका नाम भर देता हूँ। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी जेंडर हो। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। मैं मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो भर देता हूँ 4-3-58, ठीक है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ भर देना जो भी हो। यहाँ पे 1900 लगा दीजिएगा आगे, है ना। ये डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों यूज़र नेम भरेंगे। यूज़र नेम आपको वो भरना है जो वहाँ पर मांगेगा और उसका उस समय आपको भरना है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड भी दे देना यूज़र नेम के साथ, जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे याद रखिएगा। और इसके बाद ईमेल एड्रेस भर दीजिए। तो यहाँ पे जब हमने ईमेल एड्रेस भर दिया, इसके बाद एड्रेस भर दीजिए और एड्रेस के बाद कंट्री, स्टेट वगैरह। तो दोस्तों स्टेट वगैरह भरेंगे, इसके बाद सब कुछ भर देंगे जब,
तो फाइनली हमारा यहाँ से ब्राउज फोटो अपलोड कर देंगे, जाके जो भी आपने यहाँ फोटो डाल रखी है वहाँ पे जाके आपको फोटो अपलोड करनी है और फोटो वही भरिएगा, क्योंकि साइज का इशू आएगा तो 100 KB से नीचे की जो फोटो आवेदन करते समय की थी वही फोटो आपको भरनी है, ठीक है। फाइनली आपको यहाँ जाके सबमिट का बटन दबाना, जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, ठीक है। OTP जब आप भर देंगे तो आपका सबमिशन फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा वो कुछ इस अंदाज में खुलेगा, मैं आपको सीधे पेज पर ले चलता हूँ क्योंकि मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैंने वो पूरा प्रोसेस नहीं किया है, आपको पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। अब ये देखिए जो जैसे आपका वो सबमिशन होगा तो फाइनली फिर आप इसी विंडो पे आ जाएंगे, ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है जो आपने वहाँ पे भरा था, ठीक। अब जब कंटिन्यू आप यहाँ से करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड भरने के बाद, तब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। तो जब ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आपने जिनका फोटो लगाया था वो कॉर्नर पर ये देखिए फोटो आ गया है जिसके नाम से आपने आवेदन किया है और यहाँ पर डिटेल आ गई। अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं मेंशन है क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी नया अकाउंट बनाया है आपने। अब हमको क्या करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। ऐड न्यू एप्लीकेशन पर जाकर फिर एक फॉर्म खुलेगा जो आपको रिफंड के लिए भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीज़न फॉर रिफंड करना है, तो यहाँ पर आपको खोल कर क्लिक कर लेना रिफंड फॉर रजिस्ट्रेशन मनी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन मनी वापस ले रहे हैं बसंतपुर योजना की, उन्होंने जो अमाउंट जमा कराया था वो बतौर रजिस्ट्रेशन जमा कराया था, तो यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट कर देना। अब हम यहाँ से स्कीम ले लेंगे बसंतपुर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गोमती नगर कानपुर अलीगंज बालागंज जानकीपुरम प्रियदर्शनी बसंतपुर दोस्तों अभी इसमें नहीं आया है, तो दोस्तों बसंत कुंज इसमें अभी नहीं आया और बसंत कुंज आएगा तकरीबन फरवरी के आसपास, तो जो आएगा वहां से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बालागंज लेकर चलता हूँ, बसंत कुंज योजना का लिंक फरवरी के आसपास ही आने की उम्मीद है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर आपके पास होगा नहीं तो उसको भरना नहीं। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से जिस कैटेगरी का प्लॉट के लिए आपने आवेदन किया तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी टाइप की बात करें तो आप टाइप यहाँ पर टाइप ए भरा था, बी भरा था, सी भरा था, डी जो भी लिखा था वो भरा था उस समय वो आपको यहाँ पे करना, मैंने ई किया तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ई लिख दूंगा कैपिटल लेटर, लेकिन क्या टाइप ई भी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है दोस्तों बसंत कुंज योजना का जैसे लिंक आए तो ये मेन्यू आपस में कुछ चेंज भी हो सकते हैं, वहाँ पर ये कैटेगरी और टाइप ई ये चेंज हो सकता है वहाँ पर, तो जब लिंक आएगा तो वो डिसाइड करेगा फाइनली। इसके बाद बाकी डिटेल आप यहाँ से भर सकते हैं अपनी जो संबंधित है। ये सब भरने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल भरते समय आपको ध्यान से भरना है क्योंकि आपका कोई भी डिजिट आपका पैसा फंसा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर वही सारी चीज़ें उन्होंने अपलोड करने के लिए बोल दी, ओरिजिनल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आपको बता दूँ, जब आपने NDA का आवेदन किया था तो आपको एक कैश रिसिप्ट मिली थी, किस तरह की मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बना के रखा है NDA पोर्टल पर अपना, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस अंदाज में आपको NDA की रिसिप्ट मिली थी जब आप लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया। अगर मैनुअल किया तो आपके पास रखा ही होगा रसीद, अगर मैनुअल नहीं किया था आपने उस समय किया तो आपके पास इस तरह की रसीद मिली होगी, डाउनलोड फोल्डर पे पड़ी होगी अगर आपने डिलीट नहीं किया होगा, और जिन लोगों ने सेव कर लिया तो अच्छी बात है, ये देखिए एक रसीद मिल जाएगी, ये रसीद आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसी तरह अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, आधार कार्ड भी इसी तरह से और पैन कार्ड भी इसी तरह से अपलोड कर दें। सब कुछ भरने के बाद पूरा जब अपलोड कर देंगे क्लिक हेयर फॉर ई अंडरटेकिंग, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इसको पढ़कर और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे, ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद इसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो ये फॉर्म जो है कंप्लीट भर जाएगा। और ये फॉर्म भरने के बाद 7 दिन के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा फरवरी लास्ट तक जब तक बसंत कुंज योजना का लिंक इस पर नहीं आता। तो दोस्तों ये तरीका है भरने का ऑनलाइन रिफंड फॉर्म, तो ये आप गूगल अकाउंट वगैरह बना के रख लीजिए, जैसे ही लिंक आए आपको बस भरना है और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन NDA की बसंत कुंज योजना का रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अब इस पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जब आप इस सब चीज करने जा रहे हैं, जब आप NDA की उस वेबसाइट के उस लिंक पर जो मैंने पोर्टल में दिखाया उस पर जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे गलती बस इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि आपको ये हड़बड़ाहट में नहीं बनाना है, मतलब आप इत्मीनान से रात के समय पे या जब आप फ्री हो तब आराम से बनाइए, और बनाने से पहले आप वो सारी चीज़ें अपने लैपटॉप या PC पर रख लें जो आपने आवेदन करते समय दी थी, मतलब आपने एक फोल्डर बनाया होगा, मैंने पहले भी कहा था कि उस सबका एक फोल्डर बना के रख लीजिए, ठीक। उसमें क्या क्या था आपका, एक तो फोटो थी, पैन कार्ड था,
और आईडी प्रूफ था और साथ ही साथ रिसिप्ट थी एलडीए की जो मिली थी उसमें, है ना, और एलडीए की एक रिसिप्ट वो थी जो आपने ऑनलाइन उसका जो ब्राउजर खरीदा था वो, और एक एलडीए की रिसिप्ट जब आपने कैश पेमेंट किया था, ठीक है। तो दोनों रिसिप्ट प्लस फोटो सारी चीज़ें फोल्डर पर रख लीजिए। साथ ही साथ मैंने कहा था कि उन सबका कंसाइज कर लीजिएगा साइज, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपलोड करनी है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे ही आप अपलोड करोगे और ज़्यादा होगा साइज तो फिर वो बताएगा कि आप साइज को रिड्यूस करो। तो मैंने इसीलिए पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सारी चीज़ें पहले से आप तैयार कर लो, सब कुछ रिड्यूस करके रख लो। और इस बार आपको फिर वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इत्मीनान से करिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। आप 2-4-5 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में जब आपके पास समय हो तब आप इसको करिए। और करने का सबसे अच्छा तरीका यही कि सारी चीज़ें पहले आप एक साथ रख लें, फिर उस फॉर्म को भरना शुरू करें और सब इत्मीनान से भर दें। लास्ट में जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो है बैंक डिटेल की। बैंक डिटेल, आवेदक का नाम, पहचान पत्र, जितनी चीज़ें देनी है, पहली बात तो आपको उसी की देनी है जिसके नाम से आपने आवेदन किया। वहाँ पर अपना नाम मत लगा दीजिएगा कि पता चला मम्मी के नाम से आवेदन किया था, पापा के नाम से आवेदन हो रहा है और आपने डिटेल अपनी भर दी, तो वो गलत रहेगा। वहाँ पर सब उन्हीं की डिटेल भरिएगा और उन्हीं का फोटो अपलोड करना, ठीक। दूसरा ये कि बैंक डिटेल भरते समय आईएफएससी कोड पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ों में एक भी डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी डिजिट गलत कर दिया आपने तो आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है, क्योंकि एलडीए तो सीधे अकाउंट पर ट्रांसफर कर देगा, वहां जाकर आपका पैसा फंसना तय है। तो इत्मीनान के साथ इसको भरेंगे आप लोग, और भरने के बाद बस आपको सिर्फ 7 दिन का वेट करना है, क्योंकि एक आदेश भी मैंने इसमें शायद दिखाया कि पता नहीं एक शासन का आदेश, उस आदेश ये 2018 का आदेश है, उस आदेश में ये चीज़ क्लियर की गई है कि जितनी भी विकास प्राधिकरण है पूरे प्रदेश के, वहाँ से जो भी योजना के लिए निकालेंगे उसका जो रिफंड करेंगे वो ऑनलाइन कैसे करना है, और विद इन अप्लाई के विद इन 7 डेज उसको निस्तारित करना कंपलसरी है। तो आप जैसे ही इसमें आवेदन करेंगे वो ऑटोमेटिक जो वहाँ का नोडल अधिकारी होगा जो योजना से जुड़ा उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पहुँच जाएगा और उसको उसका निस्तारण 7 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप घर बैठे एनडीए की बसंत कुंज योजना में जैसे आपने आवेदन किया था उसी तरह उसका रिफंड भी ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी, मतलब इनकी जो व्यवस्था है अच्छी मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि आप देखिए ना, जैसे ऑनलाइन आवेदन थे वैसे ही ऑनलाइन रिफंड है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट जरूरी है वो, इसलिए क्योंकि अगर आपने वहाँ गड़बड़ किया तो उसका नतीजा ये होगा फिर आपको एनडीए के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये ना करना पड़े तो मैं बार बार कहता हूँ कि इत्मीनान से भरिएगा फॉर्म, ठीक है, और इसको भर के रख लीजिए, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च में एनडीए बसंत कुंज योजना का रिफंड का लिंक खोल देगा। जहाँ पर भी आपको कई सारी योजनाएँ दिख रही हैं, मैंने स्क्रीन पर दिखाई हैं, तो वहाँ पर बसंत कुंज योजना का लिंक जोड़ देंगे। जैसे ही वो जोड़ देंगे बस आपको सिलेक्ट करना है उसको, और सेलेक्ट करके बाकी प्रोसेस कंप्लीट रखा है आपका वो हो जाएगा। यूज़र नेम और लॉगिन का पासवर्ड जो आप बनाओगे उसको एक जगह नोटपैड पर लिख के उसको उसी डेस्क, उसी जो फोल्डर में जहाँ पे आपने सारा आइटम रखा हुआ है अपना एनडीए बसंत कुंज योजना से जुड़ा, वहीं पर एक नोटपैड की फाइल भी सेव कर देना या कहीं पेपर कागज़ पर लिख के अपने पास रख लेना। उससे क्या है आपको जब भी यूज़र लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको याद रहेगा। पता चला आपने सब कुछ व्यवस्था कर ली, यूज़र लॉगिन पासवर्ड भूल गए तो आपको दोबारा से क्रिएट अकाउंट करना पड़ रहा है। मोबाइल नंबर वही इस्तेमाल करिएगा जो आपके पास वर्तमान में उस समय हो, क्योंकि उस पर जब आप फॉर्म भरेंगे उसका अकाउंट खोलेंगे नया तो कई बार ओटीपी आना जाना होगा, तो ओटीपी आपके पास आता रहे समय पे और आप उसको भर के अकाउंट जनरेट करते रहें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जिनको आपको जानना समझना चाहिए। और अंत में दूसरा मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपके किसी काम के हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।